कांग्रेस तो आता ही नहीं है त्रिपुरा में, कांग्रेस त्रिपुरा में आता ही नहीं है, तो कोई चांस नहीं आने का? कोई चांस नहीं, कोई चांस, ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस को कोई वोट नहीं दे रहा है तो कैसे आएगा? तो आपको क्या लग रहा है कॉम्पिटिशन में इन किसके बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है? सीपीएम और बीजेपी के बीच में। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? कुछ बोल नहीं सकता किसको। अरे तो आप किसी को तो सपोर्ट करते होंगे। सपोर्ट तो मैं क्या बोलूँ, अभी तो बीजेपी है तो बीजेपी का वोट करूँगा। अच्छा, और पूरी फैमिली मतलब आपकी बीजेपी को वोट देगी? फैमिली बीजेपी को नहीं वोट देगी। आप देंगे खाली बीजेपी को वोट? मैं भी दूंगा कि नहीं दूंगा बोला नहीं अभी तक। अच्छा, वोट करते हैं कि नहीं करते हैं आप? वोट करता हूँ। वोट करते हैं आप तो किसी ना किसी को जरूर करेंगे, अभी आप कन्फर्म नहीं है किसको करेंगे। अच्छा, वैसे बीजेपी इतना अच्छे कॉम्पिटिशन में कैसे आई? बीजेपी ने कुछ खास किया क्या? कुछ खास नहीं किया है, वो जो तो नया नया बात कर रहा है वो बोल रहा है कुछ देगा। हाँ, सब कोई सोच रहे हैं हाँ देश में उन्नति होगा। हाँ, इसलिए सब कोई बीजेपी में, तो देश का उन्नति होगा करके लोग सोच रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, तो आपको लगता है बीजेपी को वोट देने से त्रिपुरा को फायदा होगा? वो भी सकता है, अभी क्या बोलूँ, नहीं आया तो कैसे बोलूँगा। अच्छा, तो मानिक सरकार मतलब 20 साल से है, आपको लगता है 20 साल के हिसाब से उन्होंने काम 20 साल वाला किया है? जब आदमी कोई एक चीफ मिनिस्टर 20 साल से आपकी सरकार चला रहा है, जिस एक सरकार में बैठा हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि 20 साल का काम कर दिया मानिक सरकार ने? क्या मैं तो देख रहा हूँ तो करना चाहिए हो, क्या है? क्योंकि आपका रोड दिख रहा है, ये अगरतला आपका कैपिटल है और यहाँ पे रिक्शा एकदम दाएं बाएं हिल रहा है, मेरा कैमरा भी हिल रहा है, और ये भी एयरपोर्ट का रोड है। तो रोड वोड तो वैसे दिख रहे हैं जैसे मेरे ख्याल से 10 साल पहले होंगे, रोड में कोई बदलाव नहीं। तो काम कैसे दिख रहा है आपको फिर? तो ऐसे ही चल रहा है, अब क्या बोलो काम कैसे चल रहा है। तो मुझे लगता है शायद यही कारण हो सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।